बनाएंगे मैंगो का शरबत। इसके लिए हमने ये मैंगो का पल्प निकाल के रखा है। एक आम को छील के काट के मिक्सी में इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है इस तरह से। एक ग्लास मैंगो शरबत बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंगो पल्प। 2 टेबलस्पून मैंगो पल्प डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें। इस तरह से 3-4 केसर की पत्ती ले ली है। इसमें 2 टीस्पून नींबू का रस डाल लें। 2 टीस्पून नींबू का रस डाल के केसर की पत्ती को थोड़ा सा दबा लें इस तरह से, हल्का सा मसल लें इसे, इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये केसर कुछ इस तरह से हो गया है, ये भी अब इसमें डाल दें। इसमें थोड़ा पानी डालें, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, बिल्कुल चीनी भी मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, चीनी एक बार चख लें। आपको मीठा और चाहिए तो थोड़ा और डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ आइस क्यूब डाल दें, बर्फ डाल के इसे थोड़ा मिक्स करें। ठंडा ठंडा मैंगो शरबत रेडी है, इसे इसी तरह सर्व करें। जितने ग्लास बनाने हो उसी हिसाब से पल्प निकाल ले। केसर डाल के इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। इस तरह ये बड़ों को बच्चों को सबको पसंद आएगा। मैंगो के सीजन में इसे जरूर बनाएं।